देखो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये ना फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ऑन एन एवरेज जो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं उसकी जो ड्यूरेशन है वो होती है एक हफ्ता, 15 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर जो हमारा ट्रेड चलता है उसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। स्विंग ट्रेड के अंदर पोजिशन हम कैरी करते हैं, चाहे वो बाय की पोजिशन हो चाहे वो शॉर्ट की पोजिशन हो। तो स्विंग ट्रेडिंग का मेरा मकसद है कि मेरा एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस होगा और एक मेरा उसमें टारगेट लेवल होगा। तो मैं हमेशा अचीव क्या करने की कोशिश करूँगा कि मेरा हमेशा जो स्टॉप लॉस छोटा हो और मेरा टारगेट बड़ा हो, या जो मेरी प्रोबेबिलिटी हो कि मेरे जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा रहें और मेरे जो लॉस वाले ट्रेड्स हैं वो हमेशा कम रहें। तो स्विंग ट्रेडिंग जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं जो शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगी, बहुत ही इंट्राडे या 1 या 2 दिन वाला ट्रेड इसमें नहीं होगा। हम पोजीशन के लेंगे और उसको हफ्ता 10 दिन तक चलाने की कोशिश करेंगे। जो फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसका जो ऑन एन एवरेज एक्यूरेसी है वो रहती है 60% के आसपास। 60% मीन्स कि अगर मैं ऑन एन एवरेज 10 ट्रेड्स ले रहा हूँ तो मेरे 5 या 6 ट्रेड्स जो हैं वो जाएंगे प्रॉफिट में, और मेरे 3 या 4 ट्रेड या 5 ट्रेड वर्स्ट टू वर्स्ट केस में मेरे गलत भी जा सकते हैं। यस, फाइव टिक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो हमेशा मैं बात करूंगा कि एक ट्रेडिंग सिस्टम की, जिसमें कोई किसी इंडिकेटर, इंडिविजुअल इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर एक ऑसिलेटर की बात नहीं करेंगे, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक टेक्निक की बात कर रहे हैं जिसको हम फॉलो करके उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें और अपना पैसा बना सकें। ठीक है, आपको पता होगा जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर्स ज़्यादातर जो होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, है ना। इंडिकेटर का मीन्स है इंडिकेशन देना। अगर फॉर एग्जांपल एक कार जा रही है और कार लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे रही है, उसका मतलब कि कार लेफ्ट साइड टर्न होगी, है ना। बट वो कार के ड्राइवर पर डिपेंड करता है वो टर्न करे या ना करे, बट एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो कार है वो लेफ्ट साइड टर्न हो सकती है। इसी तरीके से अगर हमें कोई इंडिकेटर बाय या सेल का सिग्नल दे रहा है वो, हाँ वो एक इंडिकेशन है बट कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा या नीचे ही आएगा एक। और ज़्यादातर केसेस में जो इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, वो एडवांस में कुछ नहीं बताते, वो प्राइस को ही फॉलो करते हैं। तो इंडिकेटर्स को जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो इंडिकेटर्स होते हैं हम उनको कहते हैं दे आर द लैगिंग इंडिकेटर्स, कि जो प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। कोई भी इंडिकेटर ले लो, चाहे आप मूविंग एवरेज ले लो, चाहे MACD ले लो, चाहे कोई भी इंडिकेटर उठा लो, चाहे RSI हो, कुछ भी हो, वो प्राइस को फॉलो करेगा। बट अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर दो, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग जिसमें हम इंडिकेटर्स को मिनिमम टू मिनिमम यूटिलाइज करेंगे, ज़्यादातर हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा, प्राइस एक्शन पे होगा। तो प्राइस एक्शन जो है वो लाइव हो रहा है, लाइव एक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो हमारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंडिकेटर यूज़ करने वालों से एडवांस रहेंगे, हम उनसे आगे चलेंगे, हम लैग नहीं करेंगे। और हम कोशिश करेंगे अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इसमें एक्यूरेसी और रिस्क एंड रिवॉर्ड भी एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल स्ट्रेटजी से ज़्यादा हो। तो ये फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसका पहले मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करती है, उसके बाद लाइव इसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, लाइव देखेंगे कि ये कैसे, इसको एक पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे सो दैट आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। पहले समझो कि फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। तो कुछ मुझे आपसे इनपुट चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी ट्रेड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, सबसे पहले हमें ट्रेंड चेक करना है, उसका ट्रेंड क्या है। हमें कभी भी ये रूल बना लो कि कभी भी हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मुझे चाहिए कि मुझे ये चेक करना है कि जिस भी स्टॉक में या जिस भी कमोडिटीज़ में या जिस भी करेंसी या फॉरेक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसका एक्चुअल में ट्रेंड है क्या। अगर तो ट्रेंड उसका पॉजिटिव है या लॉन्ग ट्रेंड है तो हम उसमें जो जितने भी फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली सिग्नल्स आएंगे वो हम करेंगे बाय की तरफ। दूसरा, अगर हमारा ट्रेंड डाउन है मनोज, तो जो भी ट्रेड्स आएंगे हम वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड्स लेंगे जो शॉर्ट सेल की तरफ होंगे, हम लॉन्ग या बाय करने के जितने भी ट्रेड्स आएंगे वो अवॉइड करेंगे। हमें एक्चुअली करना क्या है, अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज रखनी है। तो सबसे पहले ट्रेंड चेक करो कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि इसका पॉजिटिव ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हाउ, कुछ आप मुझे दो इंडिकेशन। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसमें
गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस वाली स्ट्रेटजी जो है हमारी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाली, वो यूज़ करो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसका ट्रेंड ओवरऑल है क्या। फॉर एग्जांपल हम 50 डे पीरियड एंड 200 डे पीरियड यूज़ करते हैं ईएम में, फिफ्टी पीरियड ईएमए एंड 200 पीरियड ईएमए यूज करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये आपने प्रैक्टिकल करके देखा है सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें है क्या कि जब भी 50 गोल्डन क्रॉस पैटर्न बन रहा होगा तो उसके इसमें हम बाय के ट्रेड्स लेंगे, जब हमारा इसमें डेथ क्रॉस ट्रेड पैटर्न बन रहा होगा तो हम कौन से ट्रेड्स लेंगे, इसमें शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स लेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इस पर मैं इतना नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, हम आते हैं फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। देखो फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है कैसे वर्कआउट करती है, इसमें कुछ रूल्स हैं फॉलो करने। पहला रूल है, रूल नंबर वन, कि आपको इसको डेली चार्ट पे यूज करना है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ जी संदीप जी? हाँ बिल्कुल ठीक, जो भी हमने कैंडल यूज करनी है वो डे की कैंडल यूज करनी है, ओके सर। नंबर वन, जो कैंडल यूज करनी है हम नॉर्मल कैंडल यूज करेंगे, जिसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, नो हेंकेनाशी नो रेंको, ठीक है ना। तो हमने कौन सी कैंडल लगानी है यहाँ पे, नॉर्मल कैंडल लगानी है। सर अब देखो वर्कआउट कैसे करना है इस पर। फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम इसमें जब ट्रेड लेने से पहले फाइव कैंडल्स को वॉच करना है हमने, फाइव कैंडल्स को। अब वन वीक में कितने डेज होते हैं? सेवन डेज, बट नॉर्मली फाइव वर्किंग डेज हमारे जो होते हैं, सैटरडे संडे मार्केट हमारी क्लोज रहती है, तो इसलिए इसको हम फाइव टिक स्ट्रेटजी कहते हैं। ये पाँच दिन का हिसाब लेके चलती है टेक्निक, तो इस टेक्निक को हम फाइव टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें हम लास्ट फाइव कैंडल्स को ही फॉलो करेंगे। करना कैसे है, देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ कैंडल्स बन रही हैं, ये हम सारा कुछ बाद में प्रैक्टिकली चार्ट्स पे भी देखेंगे। देखो नॉर्मली हमारा चार्ट कैंडल्स बनती रहती हैं, ये कुछ कैंडल्स बन रही हैं जिसमें कुछ रेड कैंडल्स भी हैं और कुछ ग्रीन कैंडल है। हमने एक चार्ट ओपन किया अपने सामने, हमारे पास कैंडल्स आ गई हैं। अज्यूम करते हैं कि आज ये कल तक का चार्ट है, यहाँ तक का आज नई कैंडल बननी शुरू हुई, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका ट्रेंड जब आइडेंटिफाई किया, हमने ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में ये देखा कि इस चार्ट का, इस शेयर का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है, लॉन्ग है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है शेयर, अभी अप ट्रेंड में है। तो मुझे जितने भी ट्रेड्स लेने हैं वो किस डायरेक्शन में लेने हैं, बाय की तरफ, मैं शॉर्ट सेलिंग नहीं करूंगा, सिर्फ बाय करके ही चलूंगा। अब देखो कि ये कल तक का चार्ट है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ ले लेते हैं, कल कौन सी डेट थी, 8 जनवरी 2020, आज मार्केट ओपन हुई, ठीक है ना। अभी कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है, ऊपर नीचे हो रही है, अभी चल रहा है बाजार। तो मुझे क्या करना है, आज जैसे ही मार्केट ओपन होती है 9:15 पे ट्रेडिंग शुरू होती है इक्विटी मार्केट में, तो मुझे आज को छोड़ के लास्ट फाइव कैंडल्स को चेक करना है। तो लास्ट फाइव कैंडल्स 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो पिछली पांच कैंडल्स को मैंने चेक किया, तो पिछली पांच कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो देखना कौन सा है, पिछली पांच कैंडल्स में से विच एवर कैंडल इज द हाईएस्ट पॉइंट वो हमने नोट कर लेना है। तो कौन सा है, जैसे अब नॉर्मली लेके चलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मैं रब कर देता हूँ, तो सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, सेकंड वाली, ठीक है ना। तो इस कैंडल का हमने हाईएस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेनी है, ओके। तो इस हॉरिजॉन्टल पे हमने लाइन मार्क की, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीस, इस जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की इसका प्राइस है 200 रुपया, तो 200 रुपये का हमने एक लेवल सेट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब वॉच करना है बाजार को, जब तक ये 200 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें बाय की एंट्री नहीं लेनी। मैं इसको ऊपर क्लीन कर रहा हूँ जी, अब इसको प्रॉपर ध्यान से समझिए।
आफ्टर दैट जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा चार्ट्स के ऊपर, फिर हम सारी चीज़ें एक एक करके चेक भी करेंगे। अब हुआ क्या, ये पूरा दिन कैंडल बनी, बट मैं इसने क्या किया कि पूरा ये 200 रुपये का लेवल है, ये ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे नीचे ही मार्केट क्लोज हो गई। एक पैसा भी या 5 पैसा भी 10 पैसा भी 200 रुपये के ऊपर कैंडल नहीं की, तो यहाँ मार्केट क्लोज हो गई है। अब उसके बाद 10 तारीख को नई कैंडल बननी शुरू होती है, ये कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बनी, हम ये जूम कर रहे हैं, अब ये कैंडल बननी शुरू हो गई है भाई, अभी ये कैंडल बन रही है। इस कैंडल के ऊपर हम फिर यहाँ से पिछली 5 कैंडलों का, जैसे कि जिस भी कैंडल पर को हम एनालाइज करेंगे उसकी पिछली 5 कैंडलों को हमने एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल अब ये कैंडल बन रही है, आज बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, अब यहाँ से पिछली 5 कैंडलें कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5, अब ये कैंडल हट गई है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वही वाला, उसके बाद कोई हाईएस्ट पॉइंट बना नहीं है, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है 200 रुपये का, अब जब तक ये नहीं ब्रेक मारेगा तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, पूरे दिन में चलते चलते मार्केट ऊपर नीचे होती रही, इवनिंग के टाइम आफ्टरनून मार्केट ने कुछ हार आया और इसने एक इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इसको तोड़ा, 200 रुपये से मार्केट ऊपर आई, 200 रुपये 5 पैसे भी आई तब भी हमने इसको ट्रिगर मान लिया कि हाँ कि इसमें बाइंग आ गई है। अब जैसे ही इसमें बाइंग आई इस कैंडल पे, अब इसने अपने पिछली 5 कैंडलों में से जो भी हाईएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक किया है, तो फिर यहाँ पे मैं इसमें एक बाय का सिग्नल मेरा ट्रिगर हो जाएगा, बाय हो गया। अब साथ के साथ जैसे बाय हो गया है, आपको करना क्या है, अब इस कैंडल के पीछे फिर दोबारा 5 कैंडल्स को कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5, जो 5 में से सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पे हमारा उससे 5 पैसे या 10 पैसे नीचे हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट किस कैंडल का है, इस कैंडल का है, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार करूँगा, अज्यूम करता हूँ कि ये है 194 रुपीज़ का लेवल, ठीक है ना। तो 194 से 5 या 10 पैसे नीचे 193 रुपये 80 पैसे पे आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस, ओके। अब देखो जहाँ पे आपने एंट्री ली वो क्या रेट है, और जो अपना स्टॉप लॉस है वो कितना है, 194 रुपीज़। तो इसमें डिफरेंस कितने का हुआ दोनों में, 6 रुपीज़ का स्प्रेड बन गया ना, 6 रुपये का। अब हमें करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट बंद हो जाएगी, दिन तो ऊपर नया दिन चढ़ेगा तो नया कैंडल बनेगा ही बनेगा। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनती है, कुछ भी बने, ग्रीन बने रेड बने, हमें करना क्या है, हमें हमेशा पिछली 5 कैंडलों का लो पे ही स्टॉप लॉस लगाना है, 1 2 3 4 5 स्टॉप लॉस ही रहेगा। ये कैंडल बना, उसके बाद बाजार ऊपर गया, फिर पिछली 5 कैंडलों का स्टॉप लॉस। अब इस कैंडल से देखो ये आज चल रही है मार्केट, इसको छोड़ के पिछली 5 कैंडलें 1 2 3 4 5, अब इसमें से सबसे लोएस्ट पॉइंट इस कैंडल का है, तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली। फिर नई कैंडल बनती है, थोड़ा मार्केट नीचे आया बट 1 2 3 4 5 वही पॉइंट रहेगा। उसके बाद फिर बाजार की नई कैंडल बनती है, 1 2 3 4 5, सबसे लोएस्ट पॉइंट किस कैंडल का है, इस कैंडल का है। अब ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो गए ऊपर चला जाएगा। अब दो स्टार्टिंग में हमने स्प्रेड देखा था कितने रुपए का था, 6 रुपीज़। जैसे ही ये 6 रुपीज़ का टारगेट अचीव करेगा, फर्स्ट टारगेट, तो कितने का हुआ, वो 206 रुपये का, 206 का पहला टारगेट हुआ ना। जैसे ही 206 पे पहला टारगेट अचीव हुआ, आप क्या कर सकते हो, अपना 50% माल बुक कर लेना, आपने 50% आपने पोजीशन क्लोज कर देनी है। अब जो रिमेनिंग 50% है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर लिए तो उसमें से 500 शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग डन, और रिमेनिंग 500 शेयरों के साथ क्या करना है, उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए छोड़ देना है। कैसे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या होता रहेगा, ट्रेल होता रहेगा पिछली 5 कैंडलों के लो के हिसाब से, 1 2 3 4 5। अगले दिन मार्केट नीचे आने शुरू हो गई है उसके बाद, बट स्टॉप लॉस आपने इसी को फॉलो करना है, 1 2 3 4 5। अब जो लोएस्ट पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो धीरे धीरे आप देखोगे आप ब्रेक इवन के आसपास आना शुरू हो जाओगे। आपने इस, अब
प्रॉब्लम क्या है कि आपने यहाँ पे अपना डिसिप्लिन दिखाना है, यहाँ पे आपने जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक ट्रेल चलाना है। आपके माइंड में कीड़ा होना चाहिए कि ये ट्रेड मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है, मतलब 50% माल हल्का कर दिया है, अब अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए छोड़ दो। देखो ये तो श्योर है कि कभी भी अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं आएगा, ऐसा तो, बट हमारे माइंड में होना चाहिए कि क्या पता ये शेयर 300 रुपये भी जा सकता है, तो चल लें दो जब तक। हाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आधा परसेंट आधा माल निकाल चुके हो। कई बार होता गया है कि 200-200 वाली चीज़ 225-200 या 250-250 तक भी जा सकती है। आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हो ना, ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ, बढ़ता जा रहा है। हमारे माइंड में कभी रिग्रेट नहीं दिखा कि मैं जंपिंग आउट ऑफ द गन, मैं जल्दी निकल गया, या मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो कर पाया, तो या मैंने टारगेट जल्दी लगा लिया, वो चीज़ें नहीं होंगी। देखो ट्रेडर वही है जो कम लॉस दे और बड़ा प्रॉफिट ले। इसमें हमें ट्रेड लेते ही पता चल गया कि हमारा ये स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट हम इसमें अनलिमिटेड लेके चल रहे हैं, बट हाँ अपनी कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं 50% बुक करवा रहा हूँ। प्रॉफिट जितना आपने रिस्क लिया था उतना ही उतना मार्केट ऊपर जाने पे अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी हाफ क्वांटिटी को जितना प्रॉफिट मैक्सिमम आ सके अपना है ना, चलने दीजिए। हाँ स्टॉप लॉस हिट होगा तो कुछ प्रॉफिट आपका ऑलरेडी आ चुका है तो कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस जो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, जो एक्यूरेसी है वो है तकरीबन 60%, 55-60%। अब आप पूछोगे यार स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी ही 60% है या 55% है, तो ब्रोकरेज भी डलनी है, खर्चा भी डलना है, तो हमें क्या बचेगा। देखो इस स्ट्रेटजी के अंदर कभी भी इस चक्कर में मत फंसना कि कोई आपको स्ट्रेटजी मिलेगी जिसकी एक्यूरेसी 90% की होगी। कभी भी 90% वाला या 95% वाला सिस्टम नहीं होता बाजार में। अगर होता भी है उसमें आने को तो 1-2 रुपया होता है, पर जाने को उसमें 20-20 रुपये भी होते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको जाने को पता है कि इतने ही जाएंगे, बट आना अनलिमिटेड है अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉलो कीजिए, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा इसका। उस प्रैक्टिकल को आपने इम्प्लीमेंट करना है, एक एक ट्रेड भी लेना है, और ट्रेड लेके हम अपना वॉच करेंगे, 2 या 3 शेयर में छोटी छोटी क्वांटिटी का ट्रेड लेंगे, सो दैट कि हमारी इस पर एक पकड़ बननी शुरू हो जाए। देखो देखो किसी भी ट्रेड के सिर्फ 4 आउटकम हो सकते हैं, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस। इस सिस्टम में हमने अपना बिग लॉस बचाया है और हमने बिग प्रॉफिट की तरफ हम जा रहे हैं। स्मॉल लॉस तो आएगा ही आएगा, उसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता, बट जब तक मार्केट चलती रहेगी हमारे बिग प्रॉफिट्स आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऑन एन एवरेज जो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं वो साल में 35-40% तक ही रिटर्न निकाल लेते हैं विद डिसिप्लिन। और ये स्ट्रेटजी तब बहुत अच्छा वर्कआउट करती है जब कोई अच्छा वॉलेटाइल शेयर हो, जिसमें एक अच्छा वॉल्यूम वाला या वॉलेटाइल शेयर होगा तो उसमें एक स्ट्रेटजी अच्छा चलेगी। जिनका हाई बीटा स्टॉक्स होंगे वो हम बताएंगे आपको कौन से शेयर में कब यूज़ करनी है। हाँ कॉमोडिटीज़ में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी भी मिल जाती है और वहाँ वॉल्यूम भी अच्छे होते हैं। तो वॉल्यूम पर ही बाजार खड़ा है, विदाउट वॉल्यूम आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिस 5 टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इट्स अ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। पहला नियम ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, दूसरा नियम के अपने अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो, अगर लॉन्ग का ट्रेंड है तो लॉन्ग की तरफ ट्रेड्स, अगर शॉर्ट का ट्रेंड है तो शॉर्ट की तरफ ट्रेड्स, दूसरा अगर ट्रेड बनता है तो लीजिए पहला प्रॉफिट 50% का बुक कीजिए, बाकी प्रॉफिट अनलिमिटेड छोड़ दीजिए। फॉलो करो, आप प्रैक्टिकल करते हैं अभी और आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।